बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्माकोग्नोजी का फिफ्थ लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने लिपिड्स स्टार्ट किया था, आज हम लिपिड्स को ही कंटिन्यू करेंगे। लिपिड्स का फर्स्ट पार्ट किया था हमने लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन किया था और एक ड्रग भी की थी लिपिड्स की। आज हम फर्दर रिमेनिंग जो ड्रग्स हैं लिपिड्स की, वो आज कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में पार्ट टू है और लास्ट पार्ट है। बहुत थोड़ी ड्रग्स हैं लिपिड्स की इस टॉपिक में, लिपिड्स के अंदर। तो आज की जो फर्स्ट ड्रग है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट ड्रग जो है वो लिपिड्स की, वो है आज की एलमंड ऑयल। फिक्स्ड ऑयल है ये। फिक्स्ड ऑयल मींस के लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, सॉलिड नहीं होता। तो फिक्स्ड ऑयल है एलमंड ऑयल। नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ये लिक्विड ही रहता है। अब जो एलमंड है, बादाम का तेल कहते हैं इसको, एलमंड ऑयल, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो है हमारी जो खुराक है उसका हिस्सा है एलमंड ऑयल। एलमंड बादाम जो है, एलमंड जो है उसके ऊपर एक थिक कवरिंग होती है, शेल होता है, जिसके अंदर से सीड निकलता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ब्राउन कलर का होता है ये। इसका जो प्लांट है उसकी भी आप पिक्चर देख सकते हैं, किस फॉर्म में ये प्लांट के ऊपर ग्रो करता है एलमंड। एलमंड के जो सीड्स होते हैं, इसको एक्सप्रेस किया जाता है। एक्सप्रेशन के ज़रिए जो है इसका ऑयल निकाला जाता है। अब इसके एलमंड की भी टू टाइप्स होती हैं, एक बिटर एलमंड होता है, एक स्वीट एलमंड होता है। जो स्वीट एलमंड होता है वो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पे, बिटर एलमंड जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। एलमंड ऑयल का कलर जो है वो पेल येलो है, हल्का येलो कलर का है इसका, और इस स्मेल भी है एलमंड ऑयल की ख़ास किस्म की। तो ये जो है एलमंड ऑयल है, एलमंड्स की एलमंड का जो है वो आपको नज़र आ रहा है, बादाम है और इसका ट्री जिस पे वो ग्रो करता है। फर्दर इसके बारे में आगे पढ़ते हैं एलमंड ऑयल के बारे में। बायोलॉजिकल सोर्स पार्ट यूज क्या है एलमंड का। फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम राइप सीड्स ऑफ प्रूनस एमिगडालिस। अब फिक्स्ड ऑयल हम किस में से लेते हैं, राइप सीड्स उसके बीज हैं, प्रूनस एमिगडालिस उसका प्लांट है। फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम राइप सीड्स ऑफ प्रूनस एमिगडालिस, ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। नेक्स्ट इसकी फैमिली आ जाती है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, रोजेसी फैमिली है इसकी। ज्योग्राफिकल सोर्स है अफ्रीका, इटली एंड फ्रांस, जहाँ पे लार्ज स्केल में इसकी प्रोडक्शन की जाती है एलमंड ऑयल की। नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से पाए जाते हैं एलमंड ऑयल में। फैटी एसिड्स जो हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं, क्योंकि ये ऑयल है, ऑयल के अंदर फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो बॉडी के लिए, बॉडी की जो ग्रोथ है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं फैटी एसिड्स। अब इसमें कौन कौन से हैं, स्फिंगोलिपिड्स है इसमें, ऑलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है एंड पामिटिक एसिड है। ये जो है एंटीऑक्सीडेंट्स का भी काम करते हैं और एज ए न्यूट्रिशनल हमारी जो बॉडी की ज़रूरत है उसको भी पूरा करते हैं, बॉडी की जो ग्रोथ है उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट। इसके अंदर फैटी एसिड्स पाए जाते हैं एलमंड ऑयल में, एलमंड में स्फिंगोलिपिड्स है, ऑलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है एंड पामिटिक एसिड है, ये इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। नेक्स्ट इसके यूजेस क्या क्या हैं,
रेगुलेट कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, इम्यून सिस्टम, क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद इसके अंदर फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जैसे ऑलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है, फॉर्मेटिक एसिड है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल में रहता है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है, इम्यून सिस्टम भी अगर डेली यूज़ किया जाएगा तो ये जो है आपकी बॉडी पे बहुत ही अच्छा असर अंदाज होगा ये एलिमेंट। नेक्स्ट है इसके यूज़ इमोलियंट। इमोलियंट मींस के आपकी जो स्किन है उसके ऊपर सॉफ्टनिंग इफेक्ट आता है, जो खुश्क हो जाती है स्किन, स्किन के ऊपर जब अप्लाई किया जाता है तो स्किन जो है नरम हो जाती है, नरम मुलायम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है एलमंड ऑयल से, और डिफरेंट प्रिपरेशन में यूज़ की जाती है तो इसका जो है अच्छा इफेक्ट पड़ता है स्किन के ऊपर। एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी है एलमंड ऑयल में, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसमें, एंटीऑक्सीडेंट हैं जितने फैटी एसिड्स इसमें पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का प्ले रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी इसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है एलमंड में। यूज इन कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स में एलमंड ऑयल है तो ये बहुत ही फेमस है एलमंड ऑयल के, जो कॉस्मेटिक्स की प्रिपरेशन में एलमंड ऑयल को यूज़ किया जाता है, डिफरेंट क्रीम्स, लोशंस में, शैम्पूज में यूज़ किया जाता है एलमंड ऑयल को, तो डिफरेंट कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है ये। इसके यूजेस थे एलमंड ऑयल के। ये आज की हमारी फर्स्ट ड्रग थी लिपिड्स की। सेकंड ड्रग पढ़ते हैं हम। सेकंड ड्रग हमारी है एलोवेरा। एलोवेरा को हम वैसे ग्लाइकोसाइड्स में भी पढ़ेंगे, इसमें जो है फिक्स्ड ऑयल के साथ हम यूज़ करते हैं एलोवेरा को। एलोवेरा जो है आम जुबान में इसको कवार गंदल कहते हैं। ये घरों में आम जो है आपको नज़र आएगा, घरों में उगाया जाता है। ग्रीन कलर की इसके लीव्स होते हैं, फ्लैशी इसका लेटेक्स होता है, अंदर से निकलता है जेली लाइक मटेरियल निकलता है जब इसको तोड़ें तो। ये एलोवेरा है, इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं आगे। एलोवेरा बायोलॉजिकल सोर्स पार्ट यूज ड्राइड लेटेक्स ऑफ द लीव्स ऑफ एलो बारबाडेंसिस। ड्राइड लेटेक्स जो है उसका जो लेटेक्स है उसको ड्राई करके यूज़ किया जाता है। एलो बारबाडेंसिस बायोलॉजिकल सोर्स है इसका। फैमिली इसकी है लिलिएसी एलोवेरा की। ज्योग्राफिकल सोर्स है अफ्रीका। अफ्रीका जो है वो ज्योग्राफिकल सोर्स है। नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं? सेपोनिन्स हैं, आयरन सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन प्ले करता है, सेपोनिन्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं इसमें। ग्लाइकोसाइड्स का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे, जितनी ड्रग्स हैं उसमें एलोवेरा को भी पढ़ेंगे, इसमें जो है एलोवेरा फिक्स ऑयल जो है उसमें इस्तेमाल होती है। इसमें इसके आगे यूजेस क्या हैं एलोवेरा के? एलोवेरा को कॉस्मेटिक्स में डिफरेंट स्किन की प्रिपरेशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एलोवेरा बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है एलोवेरा का। यूज़ क्या है? हीलिंग एंड सूदिंग एजेंट फॉर डैमेज ड्राई स्किन। हील करता है स्किन जो है डैमेज हो गई है, उसमें से ब्लड निकल रहा है, खुश्क हो गई है स्किन, फट गई है, तो उसके ऊपर जब एलोवेरा को अप्लाई किया जाएगा तो क्या होता है, एक आराम पहुंचता है स्किन के ऊपर, जो स्किन डैमेज हो जाती है खुश्की की वजह से तो वो हील अप हो जाती है, आराम आ जाता है जब इसके ऊपर स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो डिफरेंट प्रिपरेशन में एलोवेरा को यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत इसका इम्पोर्टेंट यूज़ है इसका एलोवेरा का। नेक्स्ट है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सनबर्न, डीप थर्मल बर्न्स। सनबर्न के सूरज की जो श्वाएं हैं उनकी वजह से जो स्किन जल जाती है
और स्किन जो है ख़ास एरिया से ख़राब हो जाती है, रेड हो जाती है, तो सन बर्न कहते हैं उसको। उसके ऊपर भी एलोवेरा का जब अप्लाई किया जाता है लोशंस की वजह से, लोशंस की फॉर्म में, ऑयल की फॉर्म में, तो वो जो है उसको सूद करती है, हील करती है स्किन को। डीप थर्मल बर्न्स के अगर जो है उसकी उसकी वजह से स्किन जल गई है, अगर आपकी बर्न्स आ गए हैं, तो उसके लिए भी एलोवेरा को यूज़ किया जाता है। बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है स्किन ट्रीटमेंट में, सन बर्न में भी, और डीप गहरे जो हैं आपके ऊपर, उसके स्किन के ऊपर अगर जल जाए स्किन, तो उसके ऊपर भी एलोवेरा को यूज़ किया जाता है। फॉर मॉइस्चराइजिंग स्किन इन क्रीम्स एंड लोशंस, मॉइस्चराइजिंग स्किन, स्किन अगर ड्राई हो गई है, खुश्क हो गई है स्किन, तो स्किन की जेल की खुश्की को दूर करने के लिए क्रीम और लोशन में एलोवेरा को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये स्किन को जो है स्किन के ऊपर ड्राइनेस को, खुश्की को ख़त्म करते हैं। तो ये इसके जो यूजेज एलोवेरा के, जो एलोवेरा इस्तेमाल होती है स्किन के ऊपर, स्किन के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एलोवेरा को। ये थी हमारी आज की सेकंड ड्रग। आज हम थर्ड ड्रग की तरफ जाते हैं। थर्ड ड्रग हमारी जो है वो है थियोब्रोमा ऑयल, कोका बटर, और ये फैट्स में शामिल है। थियोब्रोमा ऑयल, कोका बटर फैट्स में शामिल होता है। ये आपको फ्रूट नज़र आ रहा होगा, ये थियोब्रोमा काओ है, उसका फ्रूट है, ये पपाया की तरह, पपीते की तरह नज़र आ रहा है, उसके जितना उसका साइज होता है, उसके अंदर बड़े बड़े बीज होते हैं, सीड्स होते हैं। इन सीड्स में से जो है वो कोका बटर जो है वो निकाला जाता है, थियोब्रोमा ऑयल जिसको कहते हैं। ये फ्रूट है, फ्रूट के अंदर से सीड्स जो हैं उनको, उनसे थियोब्रोमा ऑयल निकाला जाता है। इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं आगे। थियोब्रोमा ऑयल, कोका बटर, बायोलॉजिकल सोर्स, पार्ट यूज क्या है इसका, फैट ऑब्टेन फ्रॉम रोस्टेड सीड्स ऑफ थियोब्रोमा काओ। फैट जो है, फैट इसमें से जो हासिल होता है, फैट जो होता है, अब आपको फिक्स्ड ऑयल और फैट का पता होगा, फिक्स्ड ऑयल जो होता है रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होता है, जबकि फैट जो होता है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। जो फैट है ये सॉलिड है, लिक्विड नहीं है। अब इसके जो सीड्स हैं उसको निकाला जाता है, जब फ्रूट जो है वो राइप हो जाए, तैयार हो जाए, उसमें से सीड्स को निकाला जाता है, रोस्ट किया जाता है, गर्म किया जाता है आग के ऊपर, उस वक्त तक गर्म किया जाता है जब तक वो उसकी खास जो है वो उसकी स्मेल आना शुरू हो जाए और उसमें उसका कलर चेंज हो जाए, उस पता लग जाए कि इसमें जो है अब फैट्स जो हैं वो निकालने के लिए, थियोब्रोमा ऑयल के लिए वो रेडी है। क्या होता है, इसके सीड्स को रोस्ट करके थियोब्रोमा ऑयल जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स इसका है थियोब्रोमा काओ है। फैमिली इसकी है स्टर्कुलिएसी, स्टर्कुलिएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। ज्योग्राफिकल सोर्स क्या है, थियोब्रोमा काकाओ जो है इसकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो है, उसके ट्रीज जो उगाए जाते हैं वो अफ्रीका में और मेक्सिको में सबसे ज़्यादा इसको ग्रो किया जाता है, थियोब्रोमा काकाओ को। नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, क्योंकि इसमें फैट है तो इसमें फैटी एसिड्स की बहुत बड़ी तादाद है जो यूज़फुल हैं। ऑलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है, पामिटिक एसिड है, स्टीयरिक एसिड है, ये एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं जो थियोब्रोमा ऑयल में पाए जाते हैं। उसका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज फार्मास्यूटिकली एज सपोजिटरी बेस, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में सपोजिटरी बेस के तौर पे यूज़ किया जाता है। सपोजिटरी जो होती है वो प्रिपरेशन होती है, सपोजिटरी एक राउंड शेप जो है वो
प्रिपरेशन होती है उसको जो है बॉडी कैविटीज़ में डाला जाता है। बॉडी कैविटी जो है हमारी उसमें इंसर्ट किया जाता है। बॉडी कैविटी में फॉर एग्जांपल एनस भी आ जाती है, वजाइना भी आ जाती है बॉडी कैविटी। तो उसमें एज अ बेस यूज़ किया जाता है जिसके साथ ड्रग को मिक्स करके सपोजिटरी बनाई जाती है। सपोजिटरी को हम फार्मास्यूटिक्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तब फिर आपको जाके ज़्यादा अच्छी तरह इसको समझ आ जाएगी। तो थियोब्रोमा ऑयल जो है एज ए सपोजिटरी बेस के तौर पे यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिक्स में। ये थी थियोब्रोमा ऑयल के बारे में। ये थी आज हमारी थर्ड ड्रग। आज हमारी फोर्थ ड्रग जो है वो है लिपिड्स की बीज वैक्स। वैक्सीज की एग्जाम्पल है, वैक्सीज की एग्जाम्पल है बीज वैक्स। इसके पहले हम इसकी देख लें, पिक्चर देख लें किस तरह से बीज वैक्स नज़र आती है। बीज वैक्स जो है वो हनी कॉम्ब जो होता है, जो शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है, हनी कॉम्ब होता है, उससे बीज वैक्स बनाई जाती है जैसे आपको नज़र आ रहा होगा। ब्राउन कलर की होती है ये बीज वैक्स। डिफरेंट प्रिपरेशन में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वर्जिकल सोर्स पार्ट यूज़, क्योंकि ये हनी कॉम है, शहद की जो मक्खी है उससे हनी कॉम बनता है और फिर बीज वैक्स हासिल होती है। वैक्स ऑब्टेन फ्रॉम हनी कॉम्ब ऑफ एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा जो उसका इंसेक्ट का नाम है, उसका जो हनी कॉम्ब है उससे जो वैक्स हमें हासिल होती है। वैक्स ऑब्टेन फ्रॉम हनी कॉम्ब ऑफ एपिस मेलिफेरा। फैमिली इसकी है एपिडी। एपिडी फैमिली से बिलोंग करता है एपिस मेलिफेरा। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं इसमें वैक्स में? अल्काइल एस्टर्स ऑफ फैटी एंड वैक्स एसिड्स हैं इसमें। फ्री वैक्स एसिड है इसमें। हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑयल्स हैं, ऑयल भी है इसमें, हाइड्रोकार्बन है। ये इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो बीज वैक्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं यूजेस। यूजेस क्या हैं बीज वैक्स के? इट इज़ यूज्ड एज ऑइंटमेंट बेस। ऑइंटमेंट जो हम यूज़ करते हैं उसकी बेस के तौर पे बीज वैक्स को इस्तेमाल किया जाता है, ऑइंटमेंट बेस। ठीक है। टू मैन्युफैक्चर प्लास्टर्स। प्लास्टर जो होते हैं जब कट्स लग जाते हैं उसके ऊपर जो प्लास्टर्स यूज़ किए जाते हैं उस पे भी मैन्युफैक्चरिंग में बीज वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट है टू मैन्युफैक्चर पॉलिशेस कैंडल्स। पॉलिशेस के सरफेस को शाइन करने के लिए, चमकाने के लिए जो है किसी भी चीज़ को उसके लिए हम बीज वैक्स वैक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, बीज वैक्स का इस्तेमाल करते हैं। कैंडल जो मोमबत्ती होती है उसको बनाने के लिए भी बीज वैक्स इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है टू मैन्युफैक्चर वाइट वैक्स। वाइट वैक्स को बनाने के लिए भी बीज वैक्स यूज़ की जाती है। इसका कलर येलो टू ब्राउन होता है। इसके बाद इसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, ब्लीच डाली जाती है जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो वाइट हो जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइट वैक्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी बीज वैक्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये थी हमारी आज की फोर्थ ड्रग। फोर्थ ड्रग हमने एंड की है। ये जो है लिपिड्स की ड्रग्स आज यहाँ पे एंड होती हैं। बहुत थोड़ी सी ड्रग्स हैं। फोर ड्रग्स हमने आज पढ़ी हैं, एक ड्रग हमने कल पढ़ी थी। टोटल इसकी फाइव ड्रग्स हो गई हैं। तो इनको याद करना आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा।
वैसे ही टेबल बनाएंगे आप और इसको सारी ड्रग्स को ऊपर मेंशन करेंगे। ये थी हमारी लिपिड्स का टॉपिक, आज ख़त्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लेक्चर हमारा एंड होता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।